अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, मैं आज से ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना पहले एक वीडियो पोस्ट किया था इमो कॉलर ट्यून के हवाले से, और मैं आप लोग को बताया था कि आप अपने इमो में कॉलर ट्यून कैसे सेट करेंगे। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो कमेंट किए थे कि भाई मेरे में ये हो गया, मैं कॉलर ट्यून सेट कर लिया। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो मेरे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई कि मेरे में ये इस ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है। और उसके तुरंत बाद मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था कि अभी तक आप में कॉलर ट्यून का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो आप कैसे उसमें आप शो करवा सकते हैं और कॉलर ट्यून का ऑप्शन उसमें पा सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे भाई जो है कमेंट कर रहे हैं कि भाई अभी तक उनमें ये कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में आपको यही क्लियरफाई करूंगा कि आपको कैसे आसानी से मिलेगा। अभी तक जिन भाइयों को ये कॉलर ट्यून का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाजिम आपको कमेंट कर रहा है। और कहाँ से आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी कंट्री का भी नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। और उस दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आप वॉच करना चाहते हैं कि कैसे सेट होगा कलर ट्यून, तो डिस्क्रिप्शन खोल करके उन दोनों वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेट करने के लिए इमो का जो सेटिंग होता है, जी हाँ फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप समझाया हूँ, जाकर उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिएगा अगर आप सेट करना चाहते हैं। तो आपको इमो का सेटिंग ओपन करना पड़ेगा, और सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर से एक ऑप्शन बना हुआ है नोटिफिकेशन, जहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चौथे नंबर पर एक ऑप्शन देखेंगे कॉल सेटिंग, जी हाँ फ्रेंड, चैट, ग्रुप नोटिफिकेशन, स्टोरी नोटिफिकेशन, इसके बाद जो चौथा नंबर है कॉल सेटिंग, आपको इसी पर क्लिक करना है, बाकी किसी और पर क्लिक नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ पर कॉल सेटिंग पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। कॉल सेटिंग पर मैं यहाँ पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप देखेंगे कि एक कॉलर ट्यून का ऑप्शन बना हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, यही वो ऑप्शन है जो कि बहुत सारे मोबाइल में निकल के आ रहा है, और बहुत सारे मोबाइल में अपडेट करने के बावजूद भी नहीं यहाँ पर कॉलर ट्यून निकल के आ रहा है। तो आपको सिंपल सेट करने के लिए आपको कॉलर ट्यून पर क्लिक करना है। चलिए मैं सबसे पहले कॉलर ट्यून पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आपको बहुत सारे कंट्री का यहाँ पर आपको बंगाली में, इंडियन में, या फिर रोमांटिक, या फिर बहुत सारे आपको यहाँ पर कंट्री भी हो गया, और लाइक आपका यहाँ पर लैंग्वेज भी हो गया। आपको यहाँ पर सॉन्ग मिलेगा, सॉन्ग को सेट करने के लिए आपको सिंपल उस सॉन्ग पर क्लिक करना है। उसके पहले आपको लाइकी एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक आप लाइकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे आप यहाँ से इस कॉलर ट्यून को सेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको लाइकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका ये रिंगटोन, सॉरी, आपका ये कॉलर ट्यून आसानी से आप अपने ईमो में सेट कर सकते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि कॉलर ट्यून अगर आप सेट नहीं करेंगे तो ये ऑलरेडी ये जो कंपनी के द्वारा दिया होता है ईमो का वो डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें कोई भी टोन नहीं होता है। आप अपने हिसाब से इस तरीके को अपना करके आप कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।